आज से ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल जो है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके डायग्राम को देखें तो ये आपका स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, इसका मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पे चार्ज है आउटसाइड, ये चार्ज है इस पे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया था, इससे प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया था, अब हम कंसीडर करेंगे पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आर रेडियस का आपका कोई कैपिटल आर रेडियस का चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसके आउटर साइड यहाँ पर पॉइंट पी है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर तो पॉइंट पी है, ये इसका सेंटर है चार्ज स्फेरिकल सेल का, ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, चार्ज स्फीयर है। ठीक है, अच्छा चार्ज स्फेरिकल इसका इस कैलकुलेशन करेंगे तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, तो बी इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला था नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ध्यान है क्या? ये फॉर्मूला कहां से आया पर ये बता देता हूं, इससे प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था dv इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ई डॉट डीएल, तो डीएल को हम लिख देते हैं क्या, डीएल को क्या लिख देते हैं, डीआर। ठीक है, अब दोनों तरफ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, सो इंटीग्रेशन और यहां पे इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन e डॉट d। तो यहां से ये इक्वेशन आ रही v इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन e डॉट d। अच्छा देखिए कि जो पॉइंट p है यहां ये चार्ज स्फेरिकल सेल के कहां है, आउटसाइड, आउटसाइड है, तो चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज जो है वो इनफिनिटी से, टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहां इनफिनिटी पे है q नॉट, ये टेस्ट चार्ज यहां से यहां लेके आ रहे हैं p पॉइंट पर, तो इनफिनिटी से p पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस, तो इसकी लिमिट क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन की, इनफिनिटी टू स्मॉल r। पास समझ आई क्या, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज को कहां से लेके आते हैं, इनफिनिटी से, इनफिनिटी से और पी पॉइंट तक लेके आएंगे, जो वर्क डन है और चार्ज का जो रेशियो है वो तो वी है, तो यहां से इनफिनिटी से इसको क्यू नॉट चार्ज को इनफिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो इस पी पॉइंट पे लेके आएंगे भी ये आपका चार्ज है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसका चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो ये जो सेंटर है इसका ये कितनी डिस्टेंस पे आर पे, इसकी लिमिट ले ली इनफिनिटी से, कहां पर लेके आ रहे हैं पी पॉइंट पे, कितनी डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी ई की वैल्यू आपको पता है, आउटसाइड है पॉइंट, तो ई आउट क्या आया था आपके पास, ध्यान है क्या, ई आउट आपके पास आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू थी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान है क्या, ये जो ई आउट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसके इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसके इक्वेशन सेकंड, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास v क्या आ जाएगा, v आउट आ जाएगा, v आउट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू स्मॉल r। ठीक है, e की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। ठीक है, अच्छा जी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मान लेंगे, तो v आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, यहां से क्या कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन है, तो q कांस्टेंट है और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू स्मॉल r 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू इधर, इसका मतलब हमें 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, हां भाई 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से करके बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
16, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लिमिट, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v out is equal to माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रख दी तो नेगेटिव साइन वाला कौन आ, फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूले में लिमिट वाले फॉर्मूले में, और फिर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव का देगा पॉजिटिव 1 अपॉन इंफिनिटी, क्लियर है। अच्छा 1 अपॉन इंफिनिटी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, इट मींस 1 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 1, इट मींस 0, तो 1 अपॉन इंफिनिटी को हम लिखते हैं 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा v आउट इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दिस वन, और ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया 0, ठीक है। ये आ गया जो चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके आउटसाइड जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी वैल्यू, तो यहां से क्लियर हो गया कि जो v आउट है वो किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन r, क्लियर। तो अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या आएगा, v और r में, अरे इधर r ले और इधर v ले तो ग्राफ आएगा ये, अरे बोलो नहीं क्या, क्लियर। ये तो हो गया आउटसाइड, ठीक है। सरफेस पे देखिए, तो सरफेस पे देखो इसको अब कर दूं कोई दिक्कत, हाँ जी सरफेस पे देखो, अगर आपके पास ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग या चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये कैपिटल आर रेडियस और जो आपका पॉइंट पी है वो भी सरफेस पे है, स्मॉल आर भी पी, इट मींस यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, अरे बोलो नहीं क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये फॉर्मूला आया है इसमें स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो वी सरफेस, वी सरफेस के लिए वी एस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल आर पे आना पड़ेगा अपने को, इंफिनिटी से पी पॉइंट पे आएंगे यहाँ पे, तो इंफिनिटी स्मॉल आर ए इंटू ए की वैल्यू सरफेस के लिए क्या थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो यहाँ जो फॉर्मूला है सेम कैलकुलेशन होगी, यहाँ क्या करना है बस आपको कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करना है, कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ भी क्या जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से v surface is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon small r की जगह क्या आ जाएगा capital r, ठीक है। ये आ रहा है आपके जो charge spherical cell है उस charge spherical cell के जो आपका surface है उस surface पे electric potential, ठीक है। integration अच्छे से कर लेना, बाकी जो है third point है inside, इनसाइड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके इनसाइड कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, वो तीन पॉइंट है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया था, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू क्लास।